So hi guys, this is sector 150. I'm just giving you the tour of sector 150. And see, this is Ace Medley. That's ATS team. Ace Medley bhi ready ho gaya ab aapka. Yahan pe bhi, if in case you need any shop, we have few inventories here. So if in case you have any plans, then you can कॉन्टैक्ट मी एट 8447663429। ये गोल चक्कर है सेक्टर 150 का। तो जब आप एयरपोर्ट से आएंगे, नोएडा अगर एंटर करेंगे, तो दिस इज द फर्स्ट सेक्टर। ये नोएडा का साउथ पार्ट है एक तरीके से। अप्रॉक्सीमेट 650-650 एकड़ का सेक्टर है ये। इसमें शहीद भगत सिंह करके एक पार्क भी है 42 एकड़ का, बहुत बड़ा, वो भी अभी मैं आपको दिखाऊंगा। ये एस का गोल्फ शायर है, ऑलरेडी रेडी टू मूव प्रॉपर्टी है। राइट हैंड साइड पे हमारे ग्रीन बेल्ट रहेगी एंड ये काफ़ी पहले डिलीवर हो चुके थे सेक्टर 150 में। बहुत लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो आई एम श्योर जो लोग आ नहीं पाए हैं और काफ़ी टाइम से देख नहीं पाए कि क्या चल रहा है कंस्ट्रक्शन वगैरह सेक्टर 150 का, तो वो इस वीडियो के थ्रू आई एम श्योर काफ़ी कुछ देख लेंगे। बिल्कुल लाइव दिखा रहा हूँ मैं। सो दिस इज द करंट कंस्ट्रक्शन अपडेट ऑफ सेक्टर 150। सेठी मार्ट के भी अब तो बोर्ड लग गए हैं। सिटी मार्ट, सामने ही शहीद भगत सिंह पार्क है 42 एकड़ का, 42 एकड़ का बहुत बड़ा ग्रीन पार्क है शहीद भगत सिंह के नाम से। ये रहा एस पार्कवे, एस पार्कवे, और ये रहा गोजरेज का पाम रिट्रीट। लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप देखेंगे तो नाच गोजरेज पाम रिट्रीट, और ये भाई मुझे बेचते, ये मुझे रोक रहे हैं बेचने के लिए। ये गोजरेज का आपका पाम रिट्रीट का प्रोजेक्ट है, वो दक्ष है, दक्ष एवेन्यू। ये गोजेज पाम रिट्रीट की एक एंट्रेंस। सिटी सेंटर भी आपको दिखाते हैं। क्या बात है, बुटानी भी अपना कंस्ट्रक्शन में तेज हो गया भाई, तेजी है बुटानी। वाओ, दिस इज द करंट कंस्ट्रक्शन अपडेट ऑफ बोटानी सिटी सेंटर। गाड़ी मैंने बीच में ऐसे लगाई है जैसे कि मेरे डैड की रोड हो, बट या एनीथिंग फॉर यू गाइस। सो दिस इज द, पीछे का भी काफ़ी पोर्शन रहता है इसमें, ऐसा नहीं है, फ्रंट का तो बन के तैयार ही ऑलमोस्ट।
लुकिंग ग्रेट। सो गाइस, अगर आप भूटानी सिटी सेंटर में भी इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं 8844766 3429 पर। हम सब बुटानी इंफ्रा अच्छा लग रहा है, बाहर से एलिवेशन आपका भी अच्छा लग रहा है, बन के तो और भी अच्छा लगेगा। इज वेरी यू नो फ्यूल लिमिटेड इन्वेंट्रीज आर अवेलेबल इन बुटानी सिटी सेंटर। यू नो आई जस्ट गॉट अ कॉल कि यार मुझे भी टुडे आई गॉट अ कॉल कि मुझे भी एक इन्वेंट्री यहाँ पे दिला दो आफ्टर सीइंग द कंस्ट्रक्शन अपडेट ऑफ माई प्रीवियस यूट्यूब वीडियो। सो नाइसली डन। देन अभी मैं आपको आगे लेके जाता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड पे गोदरेज फार्म रिट्रीट, देन उसके बाद ये समृद्धि की कंस्ट्रक्शन है, समृद्धि लग्जूरिया करके प्रोजेक्ट है। देन राइट हैंड साइड पे आप लोगों को तो नहीं दिख रहा होगा बट हाँ, मैक्स अंतारा के टावर्स हैं मेरे पास सामने। अभी आते हुए यार ट्राई करता हूँ मैं आपको दिखाने का, आते हुए आपको दिख जाएंगे। सो गाइस, दिस इज दी कंस्ट्रक्शन अपडेट ऑफ सेक्टर 150। प्लीज कॉल अस एट 8447663429 इफ इन केस यू आर प्लानिंग टू बाय अ होम in sector 150, or if in case you are planning to buy a shop in sector 150, you can call me at 8447663429. And even if in case you are planning for any sort of investment in real estate in Noida Expressway or on, you know, Yamuna Expressway, currently we are working on Yamuna Expressway because वहीं पे सारे नए projects हैं। वहाँ पे एस के प्लॉट्स भी आए हुए हैं, एस का रेजिडेंशियल अपार्टमेंट भी है, निम्बस के भी लो राइजेज आए हुए हैं, स्टूडियो अपार्टमेंट्स आए हुए हैं नियर गलगोटिया यूनिवर्सिटी, नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी, तीन यूनिवर्सिटीज़ हैं बैक टू बैक। सो वी हैव स्टूडियोज़, वी हैव लो राइज अपार्टमेंट्स, वी हैव प्लॉट्स वहाँ पे बहुत, वी हैव कमर्शियल शॉप्स एज वेल इन एस वाई एक्स भी, एस का कमर्शियल प्रोजेक्ट है। सो दिस इज़ दी kind of second phase of sector 150. वो जो आप देख रहे हैं वो गोदरेज का प्रोजेक्ट है एलडीओ के बोर्ड के पीछे, बड़ा बन गया यार, सब बना दिया लोगों ने। फ्रंट में प्रतीक कैनरे, देन आपका एटीएस का होमक्राफ्ट, वो आपका ये आपका एल्डेको, देन इसके बराबर में आपका टाटा, दिस इज टाटा। मेरे राइट हैंड साइड पे जो एटीएस का प्रोजेक्ट है इसमें सॉकर फील्ड है। यहाँ पे जितने भी यू नो हाई राइज अपार्टमेंट है सबके पास कुछ ना कुछ एमिनिटीज़ है, कुछ ना कुछ स्पोर्ट्स की एमिनिटीज़ है। जैसे एलडीओ के पास पूरा क्रिकेट स्टेडियम है, टाटा के पास टेनिस है, लॉन टेनिस है इंटरनेशनल लेवल का, इनके पास सॉकर फील्ड है, बीच में यहाँ पे आप मान के चलिए गोल्फ कोर्स आएगा। एंड स्टार्टिंग में एटीएस प्रिस्टीन जो दिखाया था वहाँ पे ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल है, यहाँ पे बीचों बीच जो है गोल्फ कोर्स प्लान्ड है। अच्छा काम खींच दिया वो चाय फाई, दैट्स दी फर्स्ट सेक्टर ऑफ यू नो ग्रेटर नोएडा, चाय फाई पूर्वांचल है वहाँ पे जो काफी अच्छा सेल आउट हुआ है।
इंडिगो का यहाँ पे एक और लैंड पार्सल है, आया नहीं। हम लोग भी काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे, हम लोगों को यमुना जाना पड़ गया उस चक्कर में। वैसे ऐसे तो यमुना जाना ही था, बट हाँ ये होता तो थोड़ा टाइम हम इसे और बेच रहे होते, बट आया नहीं अभी। लेकिन हाँ आई एम श्योर जल्दी आएगा। और ये रहा आपके सामने गुजरेज का नेस्ट एंड नर्चर, देन प्रतीक कैनरे, की जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं वाइट पेंटेड बिल्डिंग, दैट इज एल्टिको लिव बाय द ग्रीन्स। ये आपका एटीएस का होम क्राफ्ट, लेफ्ट हैंड साइड पे गोदरेज का नेस्ट एंड नर्चर भी है। और ये रोड खराब, और मेरा फोन गिरने वाला है। जो लोग यहाँ पे आना चाहते थे अपना घर देखने, कंस्ट्रक्शन अपडेट देखने, और वो मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, तो यार एक सब्सक्राइब तो बनता ही बनता है। प्लीज़ आप मुझे सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा जिन्होंने भी यहाँ पे अपार्टमेंट खरीदे हुए हैं, और जिनको कंस्ट्रक्शन अपडेट चाहिए थी यहाँ की जो आ नहीं पा रहे हैं उनको आप शेयर भी कर सकते हैं। एंड या दैट्स ऑल, प्लीज़ लाइक करिए, और कोई अगर इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहा है तो उसको भी शेयर कर दीजिए। और हाँ, अगर आपके यहाँ पे अपार्टमेंट्स हैं और अगर आप सेल आउट करने का प्लान कर रहे हैं तो प्लीज़ गिव मी अ कॉल, मे बी आई विल हैव एनी बायर, देन यू नो मैं आपको मिलवा दूंगा, जो भी होगा एप्रिसिएशन लेके आप एग्जिट भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे टाटा की हमारे पास काफ़ी अच्छी डिमांड आ जाती है, एल्डिगो की भी आती है। सो इफ़ इन केस यू आर ऑलरेडी द ओनर ऑफ एनी यू नो अपार्टमेंट हेयर इन सेक्टर 150, then please contact me at 844-766-3429, left hand side पे टाटा, ये टाटा यूरेका पार्क। छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, मतलब पुराने के समय की बात बताता हूँ आपको। हमने मतलब यहाँ पे मतलब देर इज़ अ लेडी जिसको जो बिहार से थी, एंड उन्होंने अपार्टमेंट बुक कराया था ऑनलाइन विदाउट लुकिंग एट दी प्रॉपर्टी, जस्ट बिकॉज ऑफ टाटा नाम टाटा का। तो हमने उनको आई थिंक 70-80 के आसपास जो है 3-bedroom दिलाया था जब ये इनिशियल स्टेजेस पे था। और जब वो अपना घर यहाँ पे मतलब थोड़े टाइम बाद आए कंस्ट्रक्शन अपडेट वगैरह देखने, तो वो ऐसे उन्होंने पूछा कि यार अनुभव मेरी फ्रेंड को या रिलेटिव को जो है 2-bedroom लेना है यहाँ पे, तो एंड आई यू नो मैंने उनको करंट प्राइस बताया जो कि 1.20 crore का, 1.30 crore के आसपास था करंट प्राइस लिस्ट जो थी कंपनी की। तो शी वाज लाइक ओह माय गॉड, इतने में तो हमने 3-bedroom भी नहीं लिया। तो मतलब इतना अप्रिशिएशन आप प्लान कर सकते हैं। अभी नोएडा बहुत डेवलप हो रहा है, ये तो फिर भी अप्रिशिएट हो चुका है सेक्टर 150।
अगर आप घर देख रहे हैं रहने के लिए थोड़ा जल्दी शिफ्ट होने के लिए, तो यहाँ पे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं प्रॉपर्टीज़। और अगर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से प्लान कर रहे हैं, तो अभी यमुना एक्सप्रेसवे काफ़ी डेवलप हो रहा है, वहाँ पे नए नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, नए नए लॉन्चेस आ रहे हैं, तो वहाँ पे आप प्लान कर सकते हो, प्लॉट्स वगैरह में इन्वेस्ट कर सकते हो अपना कैपिटल अप्रिशिएट करने के लिए, एंड फॉर जनरेटिंग योर रेंटल इनकम। इवन यू नो यू कैन बाय रिटेल स्पेसेस, इवन यू कैन बाय स्टूडियो अपार्टमेंट्स दैट यू कैन लीज इट आउट टू एयरबीएनबी और यू नो एनी एक्स कंपनी जो भी मैनेज वगैरह करती है। इवन वी कैन मैनेज इट फॉर यू एज वेल, मतलब एयरबीएनबी पे टाइप वगैरह कराना, लिस्टिंग करना, इवन आई कैन हेल्प यू विद दैट। सो जस्ट कॉल मी, आई एम श्योर टूर अच्छा लगा होगा आपको। बस यही है, पूरा सेक्टर 150 आपको मैंने घुमा दिया है वर्चुअली। और अगर आप बुक कुछ करना चाहते हो तो प्लीज़ आप मुझे कॉल करें, वो मैक्स संतारा है लेफ्ट हैंड साइड पे सीनियर लिविंग का। चेस पार्कवे यहाँ पे विलाज भी हैं ATS के, बहुत बढ़िया, उसकी भी मैंने वीडियो डाली हुई अंदर से पूरा विला की, तो आप चाहें तो मेरी पुरानी वीडियो स्क्रॉल करके विला के अंदर का टूर भी ले सकते हैं, मैंने वो डाला हुआ है पूरा रॉ। मैं थक गया हूँ बोलते बोलते। अगर आप अभी तक इस वीडियो में, मतलब अभी तक मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो आई रियली अप्रिशिएट दैट। आप मुझे कॉल करें, आप कुछ भी देख रहे हो प्लीज़ मुझे कॉल करें, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा इन सिलेक्टिंग द बेस्ट यू नो प्रॉपर्टी फॉर यू और इन बेस्ट प्राइसेस। हाँ, अगर आप मुझे कॉल करते हैं, अगर मैं कभी ना उठाऊँ तो प्लीज़ मुझे एक बार यू नो टेक्स्ट ज़रूर कर दें 8447663429 पे, क्योंकि काफ़ी बार मेरे से कॉल्स मिस हो जाती हैं, कई बार मैं कहीं बाहर होता हूँ, मीटिंग में होता हूँ, तो थोड़ा सा अगर आप मुझे टेक्स्ट भी कर देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, अगर मैं कॉल ना उठा पाऊँ, क्योंकि फिर मिस कॉल्स इतनी बड़ी रहती हैं तो मैं खुद ही कन्फ्यूज हो जाता हूँ किसको कॉल करूँ किसको ना करूँ, बट मैं कर लेता हूँ, बट स्टिल। सो गाइस, दिस इज दी एंड ऑफ द टूर। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।